क्या आपको पता है बंदर इंसानों को क्यों काटता है? ये हमेशा एक सवाल रहा है। इस सवाल को जानने के लिए हम बात करेंगे बुजुर्ग लोगों से, ये कुछ बता सकते हैं तो देखते हैं। बंदर इंसानों को क्यों काटता है पता है आपको? पता है, उसको खिसलाता है, ढेला फेंकता है, मारता है तो काटेगा नहीं तो, और जो नहीं मारता है ढेला उसको भी काटता है? नहीं, उसको नहीं काटता है, उसको केला तेला सब खिलाता है और प्रेम से उसको लोग में रहता है। कई सारे लोग कहते हैं वैसे भी काट लेते हैं फालतू का बंदर। नहीं, कभी नहीं करता है, उसको खिसलाने से करता है। आपको इसके बारे में कुछ पता है? ऐसे भी काट लेता है आदमी को देख करके, दौड़ता है बंदर। इंसानों से बंदर का डीएनए 99% मिलता है। ये बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी इंसानों पर ये हमला क्यों करते हैं बेफालतू का? मैं बताता हूँ आप लोगों को, जब भी आप बंदर को देख के आप हंसते हैं, जब भी दांत दिखाते हैं तो बंदर समझता है चेतावनी दे रहा है मुझे लड़ने के लिए, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता है जो ये हंस रहा है। ये इसके सामने अभी आप दांत दिखाइएगा, ये आपको काटने के लिए तुरंत ही दौड़ेगा अटैक करने के लिए, क्योंकि जब इनके ग्रुप में जब लड़ाई होता है तो क्या करते हैं, दांत दिखा के एक दूसरे को डराते हैं और धमकी देते हैं। तो ये समझता है हमेशा जो भपकी दे रहा है, अगला इंसान हमें चुनौती दे रहा है लड़ने के लिए, तो ये लड़ने के लिए अटैक करता है आपसे। ये नहीं समझता है वो बंदर है या इंसान, क्योंकि इंसान और बंदर का डीएनए 99% मिलता है, दोनों का स्वभाव भी मिलता है काफी सारा। क्यों? जितने चीजें औरत के साथ होता है वही चीजें ये फीमेल के साथ भी होता है। ये भी बसंती, इसका नाम है बसंती और ये हमने मदारी से लिया था और काफी दिनों से हमारे साथ है। इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लोगों ने इसे पूरे खूब भर भर के खिलाया है, उसमें ऐसे दस्त हो रखा है। बाबा बताएंगे काफी ज्यादा दस्त हो रखा है तो बाबा कह रहे हैं जो काफी ज्यादा इसका लैटरिंग हो रहा है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत ज्यादा हो रहा है ना, तो कुरकुरे ज्यादा खिलाने की वजह से इसके साथ दिक्कत हो रहा है। जब उन्होंने मुझे भी दिया था तो वो कह रहे थे जो भाई ये कुरकुरे खाना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन इस तरीके से किसी भी वाइल्ड एनिमल को आप कुरकुरे और बिस्किट नहीं खिला सकते हैं। हाँ, डॉग को खिला सकते हो क्योंकि एस्ट्रे एनिमल है, आप उसे खिला सकते हो। कैमरा मैन भाई साहब जरा सा सोइए मत, ध्यान दीजिए कैमरा पे फोकस कीजिए। ये अपने आप को सफाई कुछ ज्यादा रखती है, इसके बॉडी में कोई आपको टिक्स नहीं दिख सकता, न ही कोई कीड़े। ये अपने बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई करके रखती है, आप देख सकते हो। और जो भी कीड़ा निकलता है वो खुद ही खा लेती है, जिससे कि छोड़ने के बाद ही वो और ज्यादा फैल सकता है, किसी भी बीमारी फैले ना, उस वजह से ये खुद ही इसे खा लेती है। कितना प्यार से खा रही है ये। ये अपने दिन भर में ये अपनी बॉडी को करीबन 8 से 9 घंटे अपने बॉडी को ही संवारने में निकालते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये खाना खाते हैं। और मदारी खेल दिखाई वो तो अलग चीज़ है, बाकी अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बॉडी को ये संवारने में लगाते हैं। कितने अच्छे तरीके से संवार रहा है वो देख सकते हो, इतना अच्छा से अपने इंसान भी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हैं।